क्वेश्चन है अपना साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, ठीक है ना। इसको बताना आपको साइनोबैक्टीरिया याद रखिए, और इस सबको चाहता है कोई कठिन चीज नहीं होती है। अब देखो ये अपन को चार तीन लाइन बनानी है, कठिन ही हो, ठीक है ना। ये तीन लाइन बना दी अपन ने, बोल ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है क्या करो सब बता रहे हैं, पहले तो हमने से बता रहे हैं सही पूछ रहा है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें ये देखना है अपन को पहले तो बाहरी लुक बना पाएंगे, इसकी चित्र देखना है। देखो तीन लाइनें अपन नहीं बनाई है, बना पाएंगे इसके बाद में डॉट डॉट करके कुछ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे नीचे से पर शुरू करना है, सबसे बाहर की तरफ एक बॉर्ड देखी रहेगी, पूरे में दिख रही होगी देखो बॉर्ड देखिए, ठीक है ना। इसका नाम होता है जेली लाइक कवर या सीमा, जेल जेल तो जेल पेन, बॉल पेन जेल पेन, जेल का मतलब होता है गोल, ठीक है ना। जेल वाली क्या होता है बेटा, गोल टाइप की होती है, पूरा गाढ़ा होता है, जेल होता है। तो इसमें चारों तरफ एक एक गाढ़े द्रव जैसा क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं जेली लाइक कवर या जेली लाइक शीट कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अब इसके और अंदर, ठीक है ना, कहाँ पहुँचे इसके अंदर जाए, अंदर जाएंगे तो देखो एक जे आवरण दिखाया मिला है, देखो जी है, ठीक है ना। ये लाइन दिख रही है सब लोगों को, इसको बोलते हैं सेल बार, कर दे। अरे भाई इसको ऐसा बनाने में कौन सा भेद पड़ता है, लोग एक दो और तीन कोई देखते हैं, और इसके चारों तरफ हमने ऐसा बना लिया क्यों व्यक्ति लोग बना के बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, जेली लाइक स्वीट या जेली लाइक कवरिंग, इसके अंदर एक और आवरण पाया जाता है जिसको बेटा क्या बोलते हैं, सेल वॉल कवर। बाहर से अंदर जा रहा जो जो मिलता जा रहा उसी को सुनाते जा रहे, देखो यार अंदर से प्रवेश करोगे तो मिला करेगी दरवाजा पर प्रवेश मिला वो मिला, ठीक है ना। अब सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर भी एक और बात पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, सेल की नाम याद हो गया, जेली लाइक कवरिंग रटलू, सबसे बाहर वाले को जेली लाइक कवरिंग कहते हैं। फिर सेल वॉल, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव भरा रहता है, ताला भरा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कहीं लिखा होगा नहीं लिखा है, इस द्रव को ऐसा कहलाता है बेटा साइटोप्लाज्म वाला भाग कहलाता है। इसमें विभिन्न ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अब इन ऑर्गन्स के नाम बताना है, ठीक है ना। तो देखो एक कैसा होता है, छह पौड़ी नवा संरचना होती है, बेंजीन की आकार की संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन ग्रेनुली कहते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, उन प्रोटीन के कणों को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन ग्रेनुली कहते हैं, प्रोटीन के कण कहते हैं। एवं कुछ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, ये कक्षा नौ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, नौ से पढ़ रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम, रिपीट हो गया नहीं हो गया, वहाँ का फायदा हमें यहाँ हो गया नहीं हो गया, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। एवं कुछ और जो संरचनाएं पाई जाती हैं जो ग्रुप में पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं गैस वैक्यूल कहते हैं, इसमें कुछ गैस जैसी संरचना भरी जाती है, गैस टाइप की संरचना होती है, उन्हें क्या बोलते बेटा, गैस वैक्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इनको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल कहते हैं। एवं कुछ जैसी गंदी जैसी संरचना है, इनको बोलते थायरॉइड क्वाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थायरॉइड क्वाइट कहते हैं। उंगली जैसी संरचनाओं को, रॉड जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, थायरॉइड क्वाइट कहते हैं, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, एक बार कुछ गोल संरचनाएं होती हैं जिनको ऑयल ड्रॉप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल ड्रॉप्स,
तेल की कुछ बूंदे पाई जाती हैं, जो वो क्या बोलते हैं ना, वायर हाउस कहते हैं, या इसी का नाम होता है रिजर्व होल। साइकिल में रिजर्व लगता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एडवांस, ठीक है ना। तो ऐसी बेटा इसमें कुछ फूल इकट्ठा होता है, वो किसके रूप में रहते हैं, वो किसके रूप में रहते हैं, वायर हाउस के रूप में रहते हैं, इसी को रिजर्व फूल कहते हैं, ठीक है ना। एवं इसके अंदर वो संरचना पाई जाती है धागे जैसी कुंडली संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए होती है। अब बेटा ध्यान से देखो, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। अब इसके चौतरफा क्या केंद्रक दिखा रहा है आपको, केंद्रक है क्या इसमें, नहीं, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं, मटका में पानी भरा, पत्थर बांटो, अब क्या पानी रुकेगा वहां, उसकी दीवार नहीं है तो पानी क्या होगा, भाग जाएगा, बह जाएगा। ऐसी बेटा इसके अंदर जो था वो दीवार नहीं है, केंद्र झिल्ली नहीं है, इस कारण से इसमें जो है केंद्रक में जो होता है वो इसमें बह जाएगा, इसमें फैल जाएगा। वो मटके का पानी कहाँ फैलेगा, हमारे घर में, यहाँ का मटका फूटा पानी कहाँ बहेगा, इसके घर में बहेगा, इसी घर में बहेगा। तो बेटा इसके अंदर जो डीएनए है वो किस में जाएगा, इसी के अंदर रहेगा, जहाँ पे कोई दीवार नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं, कुंडले डीएनए कहते हैं। और क्या बच्चा, और चलो आगे, एवं कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, पिगमेंट ग्रैनुल कहते हैं। पिगमेंट माने होता है बाढ़, क्या होता है, बाढ़ होता है, जैसे क्लोरोफिल है पौधे में, क्या होता है, क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोफिल क्या है, बाढ़ ही तो है, क्या है ये, और बढ़क क्या होता है, मैं इसको और बता देता हूँ। प्रेस देखा आप लोगों ने, प्रेस देखा, प्रेस में क्वाइल होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और उसको जैसी लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होती है, तो जो आयरन क्या कर देती है, वो गर्म कर देती है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आपकी क्वाइल बेकार हो जाएगी तो क्या आपका आयरन इससे गर्म होगा, नहीं होगा। तो एक क्वाइल है बेटा जी, पिगमेंट ग्रैनुल का मतलब क्या होता है, वो क्वाइल होती है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। समझ आ रहा है, बन जाएंगे इसके नाम, और कौन सा लग गया, और इसके अंदर वाला भाग क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। पहले बता चुके थे इसके अंदर द्रव होता है, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर साइनोजीवाणु जो परत है, इसकी संरचना कड़ा है क्या, नहीं है ना। और अपन कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, बाहर से अंदर को प्रवेश करेंगे जो जो आपको मिल जाए, और केवल इसका लुक बना देंगे, और लुक बनाने के बाद में बना दो, यही का यही देना है, आपका बदन हो गया, सरकार के लिए बन जाएगा, और यही अपन को इसके बारे में बताना है, बन जाएगा बारे को घर में देखना, नहीं बनेगा तो यार बता दो, दो मिनट का टाइम लगेगा, बराबर देख लीजिए उसको। संरचना इलेक्ट्रोसूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें निम्न संरचना दिखाई देती है। सबसे पहला कौन सा है, सेलिसमेन पावरम म्यूसी लेजनस, सबसे ऊपर होता। अधिकांश एक कोशिकीय साइनोजीवाणुओं में प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक सेलिसमेन पावरम पाया जाता है, यह पेप्टिक अम्ल एवं ग्लूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। सबसे बाहर वाला आवरण का किसका बना होता है, पेप्टिक अम्ल का एवं ग्लूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है ना। यह आवरण कॉलोनी को नम बनाए रखता है। इस आवरण से क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, अंदर वाला एरिया कैसा होता है, नम रहता है। दूसरा कौन सा पढ़ा था, पढ़ना है सेलवा, बड़ी दिखनी पड़ेगी सेलवा। कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति चार स्तरीय होती है, क्या होती है, जैसे चार आवरण पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है, एल फर्स्ट, एल सेकंड, एल थर्ड एवं एल फोर्थ होता है। तीसरी है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति के नीचे एवं जीवद्रव के चारों ओर। कोशिका भित्ति के नीचे बेटा देखो, इसके नीचे एवं कोशिका द्रव के ऊपर, समझ में आ रहा, कोशिका द्रव के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है।
एवं जीवदत्त के चारों ओर लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन की बनी होती है जो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी क्या पाई जाती है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये कितनी मोटी होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। फिर आगे देखें क्रोमेटोप्लाज्म यह है कोशिका द्रव्य का वर्णक युक्त वर्गीय भाग होता है। माने कोशिका द्रव्य के अंदर जो वर्णक पाई जाती है क्रोमेट पाई जाती है वो वर्णक भाग होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी लैमेली पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी फाइब्रोसाइनिन तथा सी फाइब्रोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। इनमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बड़े के पढ़ने क्या पाए जाते हैं इनमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं एवं कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है सेंट्रोप्लाज्म। यह कोशिका का केंद्रीय पारदर्शी भाग होता है मतलब बीच वाला भाग होता है ठीक है ना, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इनमें एक प्रारंभिक प्रकार का केंद्र पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोइड मुखता कैसा होता है नल माने डीएनए जो होता है कैसा होता है नल एवं दूसरे डीएनए का बना होता है ठीक है ना। ये सब उसके अंदर वाला भाग होता है जी वाला भाग ठीक है ना। नल अवस्था में होता है दूसरे होता है डीएनए का ठीक है। तो इसकी कुछ शर्त कंप्लीट होता है बन जाएगा।